अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम लगाने जा रहे हैं छोटा चाइना ओवर। जैसा कि आप जानते होंगे, ये चाइना वाला न्यू निकाला है जो हर डीपी बॉक्स में लग सकता है आसानी से। तो इसके चार नीचे पॉइंट हैं, दो जो है हमारा लोड होंगे और दो मेन ऊपर से आएंगी और दो नीचे वाली साइड से। मतलब है कि 2 मीटर होंगे तो एक मेन ऊपर लग जाएगी, एक नीचे, और सेंटर में लोड लग जाएगा। ये आसानी से किसी जगह पर लग सकता है। तो इसके तीन जो है ब्रेक वाली जगह है, मतलब है कि इसके रुकने वाले पॉइंट। सेंटर में होगा तो लोड ऑफ हो जाएगा चेंज ओवर, और ऊपर होगा तो 1 मीटर चलेगा, और नीचे होगा तो 1 मीटर दूसरा मीटर चलेगा। सबसे पहले हम इसकी एक तरफ सप्लाई लगा लेते हैं ऊपर वाली साइड पे। ऊपर वाली साइड पे दो तारे हैं। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँगा। मैंने कहा डायग्राम बनाने से बेहतर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। तो सबसे पहले एक फेस ये देख सकते हैं, हमने पीछे सप्लाई लगाई है जिसमें फेस आ गए, एक फेस और एक न्यूट्रल आ चुकी है। तो अब हम इसके बीच में बल्ब लगा कर आपको दिखाते हैं कि ये सप्लाई आ चुकी है इसमें ऊपर वाली साइड पर। तो अभी चेंज ओवर जो हमारा ब्रेकर है ये सेंटर में हुआ है, आप देख सकते हैं सेंटर में है। तो ये अभी करंट नहीं पास करेगा, 2 और 4 वाले पॉइंट पर भी नहीं करेगा, और 6 और 8 वाले पे भी पास नहीं करेगा। जब ये ऊपर वाली साइड पर होगा तो 2 और 4 वाले पॉइंटों में करंट पास करेगा, वो हमारा लोड निकलेगा। ये देख सकते हैं आप, करंट पास कर रहा है हमारा चेंज ओवर। ये ऊपर की जाने में हमने कर दिया। अब हम नीचे की तरफ करते हैं तो दूसरे पॉइंटों में ये हमारा लोड निकाल रहा है। तो ये इसके इस तरीके से, अगर आप नीचे वाली साइड पर सप्लाई लगाएंगे और एक ऊपर, तो सेंटर में ये लोड निकालेगा, लोड निकालेगा 4 और 8 वाले पॉइंट पर, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया इस तरीके से 4 और 8 वाले पॉइंट पर ये लोड निकालता है। तो अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देख सकते हैं 2 और 4 इस तरीके से वार्डी के ऊपर लिखे हुए हैं। ये दो नीचे पॉइंट जो हैं 2 और 4 वाले, उन पे हमारी मेन लगेगी, और जो दूसरे हैं ऊपर वाले उन पर लोड लगेगी, और जो ऊपर सबसे ऊपर वाले सिरे पे पॉइंट है उन पर हमारी 1 मीटर की सप्लाई।